हाय दोस्तों, आज हम लोग बर्ड्स फोटोग्राफी करने के लिए आ गए हैं करनाला बर्ड सेंचुरी पे। करनाला बर्ड सेंचुरी का जो जंगल है, हम लोग उधर ही जाने वाले हैं आज। तो हम लोग स्टार्टिंग किया ऊपर फोर्ट पे जाने का जो रास्ता है, वो रास्ते लेके हम लोग ऊपर चढ़ने लगे। लेकिन कुछ देर जाने के बाद हम लोगों को दिखा कि उतना सारा बर्ड्स वगैरह नहीं दिख रहा था, एज़ एवरी वन इज़ गोइंग फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर रोड टू गोइंग अपवर्ड्स। तो उतना सारा बर्ड्स वगैरह नहीं दिख रहा था आजू बाजू में। तो हम लोग क्या किए, जिधर से झरने का पानी गिरता है उस रास्ते पकड़ के हम लोग ऊपर चढ़ने लगे। मतलब थोड़ा सा डेन फॉरेस्ट में जाने के लिए कोशिश किया, पला लेके चलने लगे। बीच रास्ते में हम लोग को कुछ फ्लावर्स वगैरह मिला, ये बहुत ही पॉपुलर फ्लावर है, वेस्टर्न घाट पे चारों तरफ आपको दिखेगा। इस फ्लावर का जो नाम है वो है एरेंथमम रोजियम। ये आपको देखने के लिए मिलेगा नवंबर से अप्रैल तक देखने के लिए मिलेगा। हम लोग पीक टाइम पे गए थे जनवरी के महीने में, तो इसलिए चारों तरफ ये ब्लू फ्लावर फ्लावर ही दिखा। और इस ब्लू फ्लावर के साथ और एक फ्लावर था, वो हम लोग उसको बोलते हैं छतिम फूल, ठीक है। तो उसका भी स्मेल बहुत कड़वा होता है और बहुत सेंसिटिव एक स्मेल होता है, वो चारों तरफ उसका ही स्मेल था पूरा जंगल में। तो ये सब नज़ारा देखते देखते हम लोग वही रास्ते से अंदर चले गए। जाते जाते रास्ते में कुछ स्पाइडर वगैरह भी दिखा, ये जो आप देख रहे हो एक कॉमन सा स्पाइडर है, जो भी आप जंगल पे जाओगे ऐसा वाला साइड स्पाइडर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये वेरी कॉमन फॉरेस्ट स्पाइडर इन इंडिया। और एक्चुअली ये जो स्पाइडर होता है ना, थोड़ा ऊपर इसका जाली वगैरह बिछाता है, थोड़ा सा ऊपर, आपको जाते टाइम उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप फ़ोटो वगैरह खींच सकते हो। तो इधर से जाते हुए हम लोग लास्ट तक एक जगह पे पहुँचे जिधर हम लोग स्टे किए। उधर कुछ बकुल वगैरह का पेड़ था और उसका जो फल था ना, वो फल खाने के लिए बहुत बर्ड्स वगैरह आ रहा था, और उसका ही फ़ोटो वगैरह कैप्चर करने के लिए हम लोग वेट करने लगे इधर। तो एक चीज़ आपको मैं बोल दूँ, करनाला बर्ड सेंचुरी पे कुल मिला के 172 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर बर्ड्स जो है वो थोड़ा साइज़ में थोड़ा छोटा है, तो बहुत बड़ा बड़ा बर्ड्स आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। एक्चुअली हम लोगों के पास जो लेंस है वो ज़्यादा मतलब इफेक्टिव नहीं है, मैक्सिमम जो उसका जो ये था वो 200 mm तक ही वो फ़ोटो कैप्चर कर सकता था। तो दैट्स वाई उतना बहुत ही बढ़िया बढ़िया तो पिक्चर नहीं आया, लेकिन जितना हो सका उतना हम लोग कोशिश किए, अच्छा कोशिश के मतलब हम लोग ट्राई किए। और दो तीन बर्ड्स ऐसा मतलब 3-4 सेकंड के लिए दिखा था जिसका फ़ोटो हम लोग नहीं ले पाए, लेकिन हम लोग कोशिश किए थे कि जितना से ज़्यादा फ़ोटो मतलब बर्ड्स को कैप्चर कर पाए, लेकिन वो सब बर्ड्स हम लोग नहीं कैप्चर कर सके, क्योंकि वो सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए दिख रहा था मुझे और मैं नहीं कैप्चर कर पाया, एज़ बिकॉज मैनुअल फोकस में कंट्रोल कर रहा था। क्योंकि जो बर्ड्स वगैरह होता है ना, उसके बीच में अगर पेड़ वगैरह आ जाएगा तो उस टाइम आप ऑटो फोकस उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा, मतलब उतना थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो वो उससे ओवरकम करने के लिए मैंने मैनुअल फोकस पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा था, थोड़ा सा टाइम लेके जो बर्ड्स मुझे दिखा उसका ही मैं फ़ोटो कैप्चर कर पाया। और आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ किंगफिशर आपको देखने के लिए मिलेगा अगर आप रेनी सीजन में जाते हो, लेकिन हम लोग गए थे विंटर सीज़न में। विंटर सीज़न में बहुत सारा बर्ड्स आता है, लेकिन कुछ कुछ बर्ड्स हम लोग मिस कर गए, एज़ बिकॉज हम लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप नहीं था, सिर्फ 2 ही बंदे हम लोग गए थे। और अगर थोड़ा डेंट फॉरेस्ट में जाते तो शायद हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स वगैरह दिखता, लेकिन जो भी बर्ड्स का फ़ोटो वगैरह आया है वो मैं दे दिया हूँ। आपको कैसे लगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ सजेशन हो तो वो भी बताइए, ताकि हम लोग थोड़ा काम कर सकें हम लोगों को फ़ोटोग्राफी के ऊपर।
थैंक यू एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.